दोस्तों, जहन शिदा चैनल में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपनी सीवीडी या डीवीडी का आईओएस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बना लेंगे। जी दोस्तों, अगर हम विंडो सीडी या डीवीडी में लें तो डीवीडी या सीवीडी कुछ अर्से बाद ख़राब हो जाती है या गुम हो जाती है। इसका सबसे आसान और चीप वे है कि अगर हम इसका आईओएस बना लें और फ्लैश में बूटेबल कर लें, तो ये सबसे आसान तरीका है। जी दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी जाकर आप ओपन कर लें। और सबसे पहले, अगर मैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ओपन करें। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड IMG वर्न 2.5.8.0। आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ओके डाउनलोड, ये डाउनलोड होने लग पड़े हैं। जी दोस्तों, देखिए ये डाउनलोड हो गया, इसे आप ओपन करें। वो यस इंस्टॉल, नेक्स्ट, आई इसे आप पढ़ लें अगर पढ़ना है आपको, और आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट कर दें यहाँ से, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर दें, यहाँ से भी नेक्स्ट, यहाँ से नो थैंक्स, नेक्स्ट। जी दोस्तों, ये आपका IMG बर्न इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ से नो कर दें, यहाँ से फिनिश। जी दोस्तों, आपका IMG बर्न डाउनलोड हो चुका है, आप इसे ओपन करें। और ये दोस्तों, जो टॉपिक आपने क्रिएट करना है, आपने क्रिएट इमेज फ्राम द डिस्क इमेज से करना है, क्रिएट फोर फाइल फ्राम द डिस्क, अगर डिस्क से फाइल करनी है। हमारा टॉपिक ये है क्रिएट इमेज फाइल फ्राम डिस्क, क्योंकि हमने आईओएस क्रिएट करना है, हमने यहाँ क्लिक करना है। ये देखें, कोई अभी तक सीडी नहीं है। आप अपने सीडी ट्रे में अपनी डीवीडी विंडो की और जिस चीज़ की आपने डालनी है उसे इंटर करें। जी दोस्तों, मैंने इंटर की है। ये देखें विंडो, ये देखें, ये हमारी जो हमने डीवीडी डाली थी, टेस्ट ट्रे के अंदर डाली थी, वो आ गई है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि ये कहाँ सेव होगी। आप इसे सेव कर लें डिस्कटॉप, और यहाँ आप लिख दें विंडो 7iOS, यहाँ सेव कर लें और फिर यहाँ पर क्लिक कर दें। जी दोस्तों, ये थोड़ा सा वक्त लेगा।
जी दोस्तों, ये कंप्लीट होने के करीब पहुंच गई है। और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये आपके अलार्म इंटर हो गया। ओके कर दें आप। जी दोस्तों, यहाँ से आप कैंसिल कर दें, ये आपका iOS क्रिएट हो गया है। जी दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इसे कैसे USB में बूटेबल करना है। आप अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप मेरी बैकअप वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे USB को बूटेबल करना है। जी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए कर लीजिए, क्योंकि मैं हैकिंग और क्रैकिंग के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।